यादे इस दिन वर्षे एक घड़ी सजनो हर ये दोबारा वास सजनो सत्संगी एक घड़ी फल मिलता वर्ष 50 कहते हैं इंद्र भगवान एक घड़ी ढंगा ने भरी है कहने हरे के चाहे 12 महीने चली रहे फिर भी बराबरी नहीं हो सकती। और कलयुग में अगर एक घड़ी भी जीव का मन सत्संग में लग जाए तो कई वर्षों तक फलादेश मिलता है। ये शास्त्र की बात है क्योंकि कलयुग में एक चौथी अमर कथा है। जैसे राजा कृष्ण को सुखदेव ने सुनाई थी, लोम श्रीषि को काकुसुंडी को लोम श्रीषि ने श्रीनाथ ने सुनाई थी, पर देव निंद्र आई ही डाली। और ये चौथी अमर कथा इस वक्त कलयुग में सत्संग मिला है जीव के लिए करने के लिए। अपने भाई ब्यागा तक तीन बैठना थी ना जी, पर मेरे प्रभु की कृपा हो कहने बाकी आना निंद्र तो झूठा थे, इस झूठे से बचना तो हाँ इस झूठे से बच गए तो आज की रात सफल हो गई। बोलिए सनातन धर्म की। फिर क्या 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 चाहे मन को रोकना है, ये नहीं भाई तुझे मैं नहीं बोलगा भाई तुझे भज नहीं कर दे रहा, नहीं। ये गृहस्थाश्रम है हमारा और जिस किसी ने भगवान को पाया उसने गृहस्थ में ही पाया। पर लेकिन जब मन को रोकना है तो चाहे खाते चलो, चाहे कमाते चलो, चाहे सोते हैं चाहे जागते हैं, जब अभ्यास हो जाता है तो जीव जो है वो उसी धुन में चला रहता है। यानी कि सुरती जो है मन के ऊपर जब सवार हो जाती है फिर मन की दौड़ खत्म हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब तक ये मन चलाई मार रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। था फिर मर दिए मार गया राम मणि गलोंदा, अभ्यास नहीं होगा तानी गलोना। एक जबरी है कभी सत्संग नहीं गई। बोली सनातन धर्म की। कहते मुंडे ऐसा शास्त्री बन गए विद्वान, उन्होंने शास्त्र में पढ़ा फिर जो मरती दवा अगर कोई जीव जय बोल दे राम का नाम आ जाए उसके मुख मुख से वो जीव सीधा बैकुंठ धाम को जाता। लेकिन मर दिए बार जिसके पास अभ्यास नहीं हुआ ऐसा राम नहीं गलोंदा। ताजे तीसरी अम्मा मरना लग भी था लगे मन लगे सोचना मेरी अम्मा कभी सत्संग नहीं गई, कदी है राम भगवान का भजन नहीं किया था भाई मर दिए बार जब मां जय गलाएंगी तो तार तरी तरी आना पार हो जाना। मैं बोले अम्मा बोल राम, तब मां कुछ बोल रहे थे जिंदगी नहीं बोल रहे थे ताली बोल रहा भला। और तीसरे मन चाया भाई एक रामचंद्र था ग्रांच ते ले दौड़ी ने सा वो रामचंद्र फेड़ी था अम्मा के मुँह बोले अम्मा पछाण कौन है जबरी आखी नहीं घोड़ है लाई लुई जी नहीं बोले अम्मा पहचानता ही सा सोचा भाई गलाई जाए भाई राम आए जबरी आखिरी श्वासों के ऊपर टिकी थी। बोली सच्चे दरबार की। जी बड़ी लाई तत जबरी है जे आखी कुआड़िया तिनी थे मुंडू का दिखिया जिसे लगी बोलो बच्चा मिंजो मता कर दे तांग चली पी थी तेरी आखी फुटी गुनी है बोले बीर बला मुंडू नहीं आ कहने का भाव राम नहीं आया कहना जबरी चलेगी बोल सके दरबार। इसलिए अभ्यास चाहिए तब किसी महात्मा ने लिखा है भाई। चाहे घर में रहो चाहे वन में चाहे बाग में लेकिन रटना जो है वो सच्ची होना चाहिए फिर हमारा जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि लिखा है प्रिया भारत हो गया आत्मा ज्ञाता स्वर्ग पैताल को सब जगह जाता।
बोल सनातन धर्म की। कौन हुए? रटना के साथ प्रिया व्रत जो थे उन्होंने आत्मा की पहचान करी थी। प्रिया व्रत हुए आत्मा ज्ञाता, ऐसी कमाई करी के स्वर्ग पैताल को सब जगह जाता। योग क्रिया से वो आयु बढ़ाता, 9 अरब वर्ष रहा था वो त्याग में। बोलिए सनातन धर्म की। 9 अरब वर्ष रहे प्रिया व्रत त्याग में। देखो कैसी कमाई होगी उन संतों की। भाई दसो ऐसा कौन ऐसा वो त्यागी है उस जैसा कोई हो सकता है। फिर रहे किस ढंग से वो 9 अरब वर्ष सुख किया उन्होंने राज में। विघ्न पड़ा ना उनके काज में। सतयुग में लाखों वर्ष आयु थी मनुष्य की। त्रेता युग में 500 साल रह गई। द्वापर युग में 200 साल रह गई। और कलयुग तब बिरला बिरला का वाला 1600-1700 जो याद कड़ाका। और हाईएस्ट आयु है कलयुग में केवल 20 वर्ष। जो 20 वर्ष जी जाएगा सहज का समझ नहीं आज 100 साल जी आ रही है। बैंड बाजे ने नैना 20 साल लाला। बोल सनातन धर्म की। ऐसा कलयुग आने वाला है सजनो। जैसे धन्ना जट हुए उन्होंने क्या किया? मन को रोका। उन्होंने इतनी कमाई नहीं करी केवल मन को रोक दिया। फिर श्रृंगी ऋषि हुए उन्होंने भी मन को रोक लिया। नामदेव हुए उन्होंने मन को रोक लिया क्योंकि रटना सच्ची लग गई तब। फिर सेना माई उन्होंने मन को रोका। भजनी मिली गए भाई कुत्ती महफिल बोलिए फलाने ग्राउ चली गए भजन सद्दू और राजे करनी ही चामत मास राजे दी बैठी है सत्संगा बिच। राजे को क्रोध आया बोलो सेना माई को स्पेशल बुलाया था और बोली आया भ्यागा फांसी अब चढ़ाना। मेरे प्रभु ने बोलो मेरा भगत बैठ हुआ सत्संगा च कहने बात ऐसे भाई ये राजा बोला फांसी चढ़ाने से मारी ना सत्यागा। भगवान ने सेना नाई का रूप धारण किया कहने चली गए राजे मार्स लिपे करना। बोल कृष्ण भगवान की। सजनों भगवान भक्तों के बस में। मैं नहीं कहूंगा तू 24 घंटे भगवान का भजन करो लेकिन थोड़ा थोड़ा समय लगाओ। सुबह शाम लगाओ देखो देने वाला भी बोई है लेने वाला भी बोई है फिर देखो कितना मंद है जिंदगी का। बोलिए सच्चे दरबार की। फिर कौन हुए? राजे की आना त्यागी राणी।
परिवार की ध्रुव भगत की ऐसी कमाई थी, राज भी किया और त्यागी भी नहीं रानी, भक्ति भी शुरू भक्ति भी चालू रही। हुए वो आत्मा ज्ञानी, राज किया ना त्यागी रानी, लेकिन कमाई उनके पास ऐसी थी जब वैकुंठ चलने की मन में ठानी, भाई अब चल पड़ना यहाँ कुछ नहीं है, तो ये काया जो है ये दाग में नहीं आई थी, वो ऐसे चले गए थे। बोलिए सच्चे दरबार की। सजनों, जिसके पास कमाई होगी उसको स्पेशल विमान आ जाते हैं लेने के लिए, और उनको 24 घंटे पहले पता लगता है कि चल तुसी इस वक्त चलना है, तुहाडा समय खत्म होने वाला, क्योंकि आयु विद्या कर्म पैसा जन्म मरण ये जीव गर्भ गर्भ से लेकर आता है, टिपड़ा विध माता लिख देती है पहले। जिसके पास कमाई नहीं होगी तब आइए फिर सियाण किया फिर क्या, जब दूत बुरे मारे तो कुड़ी में शिक्षा ही कुटते, पर फर्क क्या सजे संसार चाहे तेरी कुनी नहीं दस्य नहीं जाऊंगी ये बार ये कितना कष्ट हुआ, चाहे पुट्ठा लटकी रहे या नौ महीने, और जो गया वो कोई बता के नहीं गया कि मुझे जाती दफा कितना कष्ट है हुआ, यही फर्क है। इसमें ये भ्रम है इंसान को। बोलिए सत्य दरबार की। और किसी महात्मा ने लिखा Thank you.